अब इसके बाद आती है इसकी सेक्शनल डिटेल। सेक्शनल डिटेल हमने क्या कैसे करनी है, सेक्शनल डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ सेक्शनल डिटेल आ रही है और कुछ यहाँ पर इसके कनेक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सेक्शनल डिटेल की अगर हम बात करें तो इस सेक्शनल डिटेल के अंदर उसने यहाँ बोला हुआ है कि S4.00 का 10 है। हम वहां पर जाते हैं, अब इसके 10 की बात करें तो यहां पर जो जो चीजें आ रही हैं, यहां पर आ रहे हैं ये किकर आ रहा है जो कि उसने बोला हुआ है इसकी लेंथ जो एंगल है ये L3×3×1/4 का किकर है, ठीक है। हर एक चैनल के साथ चल रहा है और चैनल कौन सा है यहां पर देखें, ये उसने MC चैनल चलाए हुए हैं, ठीक है। तो हर चैनल के साथ ये किकर भी आएगा, ठीक है। अब यहां पर चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, यहां पर जो चीजें आ रही हैं यहां पर सबसे पहले ऊपर देखें तो ये सिल एंगल चल रहा है जिसकी डिटेल वो कह रहा है कि 401 के 10 के ऊपर है। 401 का 10 अगर हम देखें, 401 10, ये सिल एंगल है, ठीक है। इसकी डिटेल हमने यहां पर यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहां पर ये देखें एंगल के क्लिप चल रहे हैं जिनकी लेंथ जो उनसे है वो 4 इंच की है, 4 इंच के ये चल रहे हैं और हर एक हैंगर के साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हैंगर है हमारा, इस हैंगर के साथ साथ जितने ये हैंगर आएंगे उतने ही ये क्लिप्स आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये नीचे आ गए हैंगर, ये MC चैनल आ गया ये वाला। इसके बाद नीचे अगर हम आए तो ये प्लेट चल रही है स्टील की, ये हम देंगे ये थ्रू आउट चल रही है, कंटिन्यूअस है ये वाली, ठीक है। इसी तरह यहां पर आए तो ये कंटिन्यूअस एक एंगल चल रहा है, ठीक है। और यहां पर ये वाला एंगल चल रहा है, ये वही किकर आ गए यहां पर। यहां पर जो है वो ये स्टिफ प्लेट आ गई और यहां पर ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। अब इस सारी डिटेल को हम एक टेक ऑफ के अंदर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो चीजें हैं ये तो चल रही हैं थ्रू आउट, ठीक है। जबकि ये अगर हम बात करें ये वाली और ये, इसी के साथ यहां पर ईच हैंगर के साथ ये भी, ये हैंगर और ये क्लिप, ये जो 5 चीजें हैं ये एक साथ चल रही हैं, ठीक है। मींस के स्पेसिंग के ऊपर चल रही है, बाकी ये जो चीजें हैं ये हमारी कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल जब लिखेंगे तो हम इसकी डिटेल यहां पर आते हैं, ये हमने इसकी सारी की सारी डिटेल हमने लिख ली, ठीक है। ये MC चैनल जो कि 48 इंच की स्पेसिंग पे चल रहे थे और इसके साथ साथ जो जो चीजें चल रही थी, क्लिप चल रहे थे हमारा, इसके अलावा ये किकर चल रहा था हमारा, ये एंगल सेक्शन चल रहा था, इसके अलावा ये भी क्लिप था जो कि बॉटम पे चल रहा था, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज करके बता दिया कि ये इतनी सारी चीजें जो सी हैं वो इसके साथ चल रही है। उसके बाद हम इसके साथ जो कंटिन्यूस चीजें चल रही है वो ये वाली चल रही है, ठीक है। हमने इस सारे को एक ही टेक ऑफ के अंदर ले लिया और हमने यहां पर जहां जहां ये आ रहा है हमने वहां वहां ये लगा दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए उसने डिमेंशन शो की, कह रहा है यहां से लेके सिर्फ यहां तक चल रहा है ये, तो हमने सिर्फ यहां से लेके इसको यहीं तक ही लगाना है, ठीक है। अब हमारे ये वाले क्रॉस सेक्शन हो गए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन वो कह रहा है कि ये 7 वाला है। अब हम 7 के ऊपर जाते हैं, 4 0, ये 7 ही है, जी
4.00 का 7। तो यहाँ पर आएंगे ये देखें इसकी डिटेल जो है वो ये चल रही है। यहाँ पर ये देखें तो ये ब्रेसिंग आ रही है, ये प्लेट चल रही है, और यहाँ पर बस ये दो चीजें। तो हमने इसके मुताबिक ही यहाँ पर ये दो चीजें लिखी हैं, तो हमारी ये वाला क्रॉस सेक्शन भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर उसने कोई नहीं बताया हुआ कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, इसलिए हमने इसकी टोटल लेंथ जो सी है वो ले ली है। यहाँ पर भी इसकी वही लेंथ। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटर में ये तो ब्रेसिंग आ रही है, खैर ये ब्रेसिंग हमारी कैसे कवर होगी, ये ब्रेसिंग हमारी जो हमने एलिवेशन देखे थे उन एलिवेशन के ऊपर ही हमारी कवर हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे एलिवेशन थे ये वाले, इनके अंदर ही हम इनकी डिमेंशन लगा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एलिवेशन जितनी भी ब्रेसिंग आ रही है उसके उसने एलिवेशन दी है हमें। ठीक है, तो हम इन सब का जो है ना वो यहीं से ही कवर कर लेंगे, इनकी डिमेंशन लेके हम इनके ऊपर काउंट लगा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके ना कनेक्शन आ रहे थे, मतलब मीन से गसट प्लेट आ रही है जिसकी उसने डिटेल यहाँ पर आए, तो इसकी गसट प्लेट की डिटेल दी हुई है। उसने बोला कि ये गसट प्लेट यहाँ पर चल रही है 3x8 इंच की, तो ये गसट प्लेट जहां जहां इसका कनेक्शन बन रहा है हम वहां वहां इसकी इसका काउंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं वापस, ये ब्रेसिंग भी मारी हो गई, ये वाले भी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये यहां पर आए, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के अगर हम देखें तो ये 4x12 है, यहां पर सिर्फ बेंट प्लेट चल रही है जिसको उसने दिखाया वह ये है। इसकी डिटेल बताई है उसने, ये प्लेट चल रही है कंटिन्यूअस बेंट प्लेट। ठीक है, तो यही हम डिटेल यहां पर लिखेंगे और इसका लीनियर फिट यहां पर मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन देखें, मैं इस सारे को ऑफ करता हूं, पहले मैं इसको हम एक्सप्लेन कर लेता हूं कि हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या क्या चीज आ रही है। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर 402 है, 402 का 5 है। ठीक है, यहां पर 5 के ऊपर आए तो यहां पर देखें ये एक चैनल सेक्शन चल रहा है। ठीक है, ये यहां पर चैनल सेक्शन आ जाएगा, हम इसके LF मार्क कर देंगे। ठीक है, और अगर हम इसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर भी ये वही क्रॉस सेक्शन है जिसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक आ जाएगी। ठीक है, और ये 7 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि इसके साथ है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आए तो यहां पर ये क्रॉस सेक्शन ये वही जो बेंट प्लेट चल रही थी जो अभी हमने देखा है, और इसके बाद अगर हम देखें यहां पर ये 11, इस 11 के अंदर जो चीजें आ रही हैं यहां पर ये देखें ये कंटिन्यूअस प्लेट चल रही है और ये एंगल सेक्शन चल रहा है। ठीक है, ये एंगल सेक्शन है और ये प्लेट है। इसके अलावा यहां पर भी ऊपर भी एक एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन चल रहा है यहां पर, फैब्रिक का थर्मल पैड है, और इसके अलावा यहां पर हाँ बस ठीक है, यही तीन चार चीजें यहां पर चल रही हैं। ठीक है, तो इन इन चार चीजों को भी हम जो है वो इसकी डिटेल यहां पर लिखेंगे और हम इसका लीनियर फिट यहां पर मार्क कर देंगे। और इसी तरह अगर हम इसकी डिटेल के अंदर जाते हैं तो इसकी डिटेल 401 के अंदर है, फोर जीरो टू के अंदर, यहां पर देखेंगे तो इसका यहां पर भी एक चैनल सेक्शन चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ एक एंगल भी चल रहा है, ये चैनल सेक्शन है और ये
एंगल है। इसका भी हम यहां पे लीनियर फिट मार्क करेंगे यही डिटेल लिखकर। और अगर हम यहां पर इसकी बात करें ये सिक्स वाले की, तो ये 402 का सिक्स यहां पर है, तो यहां पर ये सिर्फ एक एंगल चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक एंगल यही वाला लिखकर हम इसका लीनियर फिट मार्क कर देंगे। और ये क्रॉस सेक्शन हो गए। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कनेक्शन बता रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पर 500 के अंदर जाएं, इसका 10, यहाँ पर ये टॉप प्लेट चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ये टॉप प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें 8 400 का 8, यहां पर देखें तो यहां पर एक ये बेंड प्लेट चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर ये चैनल सेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो यही दो चीजें हमारी यहां पर चल रही हैं। तो यहां पर भी इसकी ये वाली डिटेल लीनियर फिट में आ जाएगी। इसके साथ यहां पर देखें तो ये 402 का 7 है, तो ये 402 का 7 HSS के लिए उसने ये बताया हुआ है कि ये कितना कौन सा एंगल लगेगा, ठीक है। ये उसका साथ साइड बताया हुआ है, ये एंगल है और ये इसका साइड है, 6 इंच का एंगल लग रहा है जो कि यहां पर और यहां पर आएगा, ठीक है। इसके दो यहां पर काउंट लग जाएंगे। और यहां पर अगर हम डिटेल, यहां पर क्रॉस सेक्शन, ये है 500 का 11, ये 500 के 11 के अंदर जो उनसा है वो कनेक्शन बता रहा है। 500 के 11 यहां पर बता रहा है कि आपने बीम टू बीम जो उनसा है वो कौन सा जो उनसा है वो सेक्शन यूज, कौन सा कनेक्शन यूज होगा, और बीम टू कॉलम कौन सा कनेक्शन यूज होगा। ये कॉलम के लिए है और यहां पर आगे ये बीम के लिए है, बीम टू बीम कनेक्शन है और कॉलम टू कॉलम कनेक्शन है, ठीक है। हमने इन्हीं के मुताबिक ही इससे कनेक्शन दे देने हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि ये अगर तो W8 और W10 है, ठीक है, तो वहां पर ये वाली प्लेट लगेगी। अगर ये वाला है तो इसके साथ ये वाली प्लेट लगेगी। ये वाला कॉइल लग रहा है कॉलम, कॉलम के साथ ये वाला डब्ल्यू सेक्शन है तो इसके साथ ये वाली प्लेट लगेगी। मीन्स हर एक डब्ल्यू सेक्शन के लिए उसने अलग अलग प्लेट बताई हुई है कि ये कौन कौन सी प्लेट लगेगी। तीन किस्म की प्लेट्स यूज हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। हम इनके साइज के मुताबिक ही यहाँ पर प्लेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इनके, यहाँ पर ये जो कॉलम आ रहा है कॉलम के साथ, ये अगर यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है 24 वाला, 24 24 18 18। तो 24 वाला जो है वो 5x16 है और 18 वाला भी 5x16 है। मींस के इसके चारों साइड पर जो प्लेटें लगेंगी हमारी वो 5x16 की प्लेटें लगेंगी, ठीक है। तो यहां पर लेकिन उसने यहां पर देखें तो उसने डबल प्लेट लग रही है, एक प्लेट नहीं लग रही, दो प्लेट लग रही है। इस वाली साइड पर भी लगेगी, दूसरी साइड पर भी लगेगी। इस तरह अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो बीम टू बीम कनेक्शन की बात करते हैं तो बीम टू बीम कनेक्शन के अंदर भी यहां पर देखें तो ये उसने बताया हुआ कि ये एंगल लग रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल हमने दोनों साइडों के ऊपर एंगल लग रहा है, मीन दो एंगल लग रहे हैं ये वाले। तो हम यहाँ पर दो एंगल जोन से हैं वो हर बीम, जहां जहां बीम जोन से है वो कनेक्ट हो रहा है वहां वहां हम ये वाले एंगल दे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर देखें तो ये दो क्रॉस सेक्शन है, ये दो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो 3.01 का 5 यहाँ पर एंगल सेक्शन चल रहा है। तो ये एंगल सेक्शन यहाँ पर इसकी डिटेल लिखेंगे और इसका हम लीनियर फिट मार्क कर देंगे। इस तरह अगर हम ये 4 की बात करते हैं, इसके 4 के अंदर 5 और 4 है, इस 4 के अंदर भी हमारा एंगल सेक्शन चल रहा हो यही वाला, ये देखिए ये एंगल सेक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये थ्रू आउट जोन है वो इसकी लीनियर फिट में ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारी डिटेल बचती है ये वाली, यहाँ ये वाली डिटेल तो वही होगी जो डिटेल मेरे ख्याल से यहाँ पर 11 वाली है ये वाली, ठीक है। ये डिटेल भी हमारी हो गई है, ये डिटेल भी हो गई हमारी जो कि ये 12 वाली है। उसके अंदर देखें तो ये 402 का ये 2 है और यहाँ पर 402 का 1 था,
ठीक है, ये वही डिटेल रहती है हमारी 402। फोर जीरो टू का टू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एंगल सेक्शन चल रहा है, ये वाला इसके साथ ये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखें तो ये HSS का पढ़ लेना है यहाँ पर, ये कौन सी जगह है, ये प्रेस स्लैब है। ठीक है, यहाँ पर ये HSS बीम चल रहा है लेकिन यहाँ पर उसने शो नहीं किया हुआ, ये शो किया हुआ उसने। ठीक है, ये यहाँ पर HSS चलेगा हमारा, और HSS के साथ जो हमारी जो चीज़ें लग रही हैं वो यहाँ पर फैब्रिका थर्मल पैड चल रहा है, कंटिन्यूस ये एंगल चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर प्लेट चल रही होगी, स्टील प्लेट, ये वाली प्लेट ये है बेंड प्लेट, 1/4 इंच बेंड प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल हम लिख के यहाँ पर एक लीनियर फिट मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर 401 का 8 है, 401 का 8 ये है। ठीक है, अब इसकी डिटेल वो कह रहा है कि 4008 के अंदर जाके देखें, तो 400 का जो 8 है वो ये है, और ये वही डिटेल है जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखी थी कि यहाँ पर चैनल सेक्शन चल रहे थे, यहाँ पर बेंड प्लेट चल रही थी, तो वो यहाँ पर एक लीनियर फिट यहाँ पर आ जाएगा इसका यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी सेक्शन डिटेल थी जो कि हमने इनके साथ देनी थी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ बचती है वो है इसके ऊपर मेटल डेक की। मेटल डेक उसने यहाँ पर बताया हुआ है ये 1 का टैग देकर, जो कि मेटल डेक हमारी है। यहाँ पर देखिए, ये उसने बोला हुआ है कि 3/1/2 थर्मल वेट कंक्रीट आ रही है किसके ऊपर, 2 इंच 20 गेज कंपोजिट स्टील डेक। ठीक है, ये स्टील डेक है जो कि यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और ये इनके साथ साथ जो हमने क्रॉस सेक्शन जितने भी डिस्कस किए हैं, ये सारे क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पर इनके LF वैसे ही लगाए हुए हैं जैसे कि मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये वाली डिटेल थी, ये इसका LF लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्लेट का लगा हुआ है, टॉप प्लेट का लगा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसका भी LF लगा हुआ है जो कि एंगल आ रहा था यहाँ पर। इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर भी बेंट प्लेट चल रही थी। ठीक है, इस तरह जितने भी हमारे ये क्रॉस सेक्शंस आ रहे होंगे, हमने इन सब के जो है वो इसकी डिटेल यहाँ पर हमने लिख देनी है।